दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जनधन अकाउंट को ऑनलाइन तरीके से कैसे खुलवा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप जनधन अकाउंट को ऑनलाइन तरीके से खुलवा सकते हैं। दोस्तों जनधन अकाउंट को ऑनलाइन तरीके से खुलवाने के कई सारे फायदे होते हैं। दोस्तों पहला फायदा ये होता है कि अगर आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है, फिर भी आप 5000 रुपये की सुविधा आराम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा फायदा ये होता है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, केंद्र सरकार ने ऐलान किया था सभी लोगों को 500 रुपए की 3 किस्तें भेजने के लिए, और सरकार ने वादा पूरा भी किया। ऐसे में दोस्तों अगर आपके पास जनधन अकाउंट नहीं था तो आपके पास पैसा नहीं मिला। ऐसे में दोस्तों सरकार एक बार फिर से ऐलान कर सकती है, अगर ऐसी परिस्थिति रही तो उसके पहले आप जल्दी से जनधन अकाउंट को खुलवा लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं आप जनधन अकाउंट को ऑनलाइन तरीके से कैसे खुलवाएंगे। उसके पहले दोस्तों यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक करके आप हमारी मेहनत को सफल करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको जो घंटे का ऑप्शन दिख रहा है उसको आप ऑल प्रेस जरूर कर दें। चलिए सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जनधन अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको गूगल पर आना है, और गूगल पर आने के बाद टाइप करना है PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना। दोस्तों जब आप टाइप करेंगे आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट। आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है। दोस्तों जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको और स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा होगा ई डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे लिखा है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आप अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तो आपको हिंदी में, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो हिंदी में सिलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो इंग्लिश में सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों मैं यहाँ हिंदी में इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए ये फॉर्म हिंदी में डाउनलोड हो रहा है, और दोस्तों ये देखिए फॉर्म हिंदी में डाउनलोड हो गया। यहाँ पे लिखा है बैंक का नाम, वित्तीय समाधान खाता खोलने का फॉर्म। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा है शाखा का नाम। दोस्तों यहाँ पे आप जिस भी बैंक में अपना जनधन अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, यहाँ पे आप शाखा का नाम डाल दीजिएगा, अपने गांव का नाम डाल दीजिएगा, गांव में रहते हैं तो गांव का नाम डाल दीजिए, शहर में रहते हैं शहर का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे ब्लॉक का नाम आया वो डाल दीजिए, अपना जिला डाल दीजिए, राज्य डाल दीजिए, अपना SS कोड डाल दीजिए, या वार्ड नंबर, आपका जो वार्ड नंबर है वो डाल दीजिएगा, ग्राम कोड या शहर कोड डाल दीजिएगा, उसके बाद शहर का नाम डाल दीजिएगा, आपका शहर का नाम क्या है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे लिखा है आपका पूरा नाम, यहाँ पे आपका प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम यहाँ पे लिखना है, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, आपकी शादी हो चुकी है कि आप सिंगल हैं, जो भी है यहाँ पे कर दीजिए, पता पूरा डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, टेलीफोन नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे आपकी जन्मतिथि मांग रहा है वो डाल दीजिए, अपना पैन कार्ड डाल दीजिए, यहाँ पे लिखा है पैन नंबर, उसके बाद मनरेगा जॉब कार्ड संख्या, अगर आप मनरेगा योजना के तहत काम करते हैं तो आपकी जॉब कार्ड संख्या क्या है वो यहाँ पे दे दीजिए, आपका पैसा क्या है, व्यवसाय क्या है वो दोस्तों यहाँ पे दे दीजिए, उसके बाद क्या रहा वार्षिक आय, आपके साल भर की आय क्या है जो भी है वो दे दीजिए, उसके बाद आश्रितों की संख्या क्या है वो दे दीजिए। दोस्तों संपत्ति का ब्यौरा देना है, आपका अपना घर है, अगर हाँ है तो टिक कर दीजिए, नहीं है तो नहीं पे कर दीजिए, आपके पास खेत है तो हाँ कर दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पशुओं की संख्या कितनी है, अगर आप पशु पालते तो उनकी संख्या कितनी है ये दे दीजिए। उसके बाद कह रहा है परिवार के सदस्यों के परिवार के नाम का वर्तमान खाता। दोस्तों यहाँ पे क्या आपके परिवार के सदस्यों का वर्तमान खाता है, अगर है तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास है तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे दोस्तों यहाँ पे आया घोषणा, यहाँ पे आपको अपने अंगूठे का हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान लगा देना है, या अपना हस्ताक्षर कर देना है, स्थान डाल देना है, दिनांक डाल देना है। उसके बाद लिखा है मैं निम्न को निम्नांकित करना चाहता हूँ, निम्नांकित का नाम। दोस्तों यहाँ पे अगर आप निम्नांकित करना चाहते हैं उसका नाम डाल दीजिए, संवर डाल दीजिए, आयु डाल दीजिए, जन्मतिथि डाल दीजिए, उसके बाद मेरी वयस मृत्यु होने पर नामांकित। दोस्तों आप यहाँ पे आपको नॉमिनी में नेम भरना है तो यहाँ पे आप नॉमिनी नेम भर दीजिएगा, उसके बाद स्थान दिनांक डाल के हस्ताक्षर कर दीजिएगा। दोस्तों हस्ताक्षर करने के बाद आपको ये फॉर्म ले जाके कहाँ जमा करना है, फॉर्म भर के आपको जमा कर देना बैंक में, और कह देना है कि सर मेरा जनधन योजना का अकाउंट खोलना है तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, ये मैं फॉर्म भर के ले आया हूँ और इसको आप जमा कर लीजिए। दोस्तों ये फॉर्म आप वो जमा कर लेंगे और आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट खुल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप अपना जनधन अकाउंट में अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के भी जोर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर आप लोगों के लिए एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।